राधे राधे दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ पर्व की बहुत बधाई और शुभकामनाएं। करवा चौथ का दिन हर सुहागी महिला के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस दिन वो अपने व्रत की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। माता गौरी की पूजा अर्चना करके रात को चांद देखने के बाद अपने व्रत के हाथों से अपने व्रत को खोलती हैं। इस दौरान पूजा में करवा चौथ की थाली का विशेष महत्व होता है, जिसमें तरह तरह की सामग्री रखी जाती है। आइए जानते हैं करवा चौथ की थाली में किन किन चीज़ों का होना अनिवार्य है और उसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। करवा चौथ की थाली में सबसे पहले दिया रखना चाहिए। ऐसे तो कोई भी पूजा दीप बत्ती के बगैर अधूरा ही होता है, लेकिन कभी कभी फिर भी हम थाली में सब कुछ रखते हुए दिया रखना ही भूल जाते हैं। तो सबसे पहले पूजा की थाली में दिया रखिए। पूजा के लिए आटे का दीपक सबसे शुभ माना जाता है और करवा चौथ की थाली में आटे का दीपक जरूर रखना चाहिए। दीपक में सरसों के तेल में रुई की बत्ती डालकर दीपक जलाएं। और अब आती है पूजन सामग्री। करवा चौथ की थाली में पान, मिट्टी या तांबे का टोटी वाला करवा या लोटा, कलश, चंदन होना अनिवार्य है। पूजा के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है और चांद देखने के बाद इसी करवे से पति आपको पानी पिलाते हैं। और श्रृंगार का सामान, करवा चौथ त्योहारी सुहागिन महिलाओं का है, इसीलिए करवा चौथ की थाली में 16 श्रृंगार का सामान जैसे मेहंदी, सिंदूर, कंघी, बिंदी, चुनरी, महावर आदि चीज़ों को रखा जाता है। पूजा के बाद आप किसी पंडित को ये चीज़ें दे सकते हैं। और पूजन सामग्री, पूजा के दौरान भगवान को अर्पित की जाने वाली चीज़ें जैसे कि मिठाई, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद, शक्कर, इन चीज़ों को जरूर शामिल करें, क्योंकि ये माता गौरी को अर्पित की जाती हैं। इसके अलावा पूजा के लिए अपनी थाली में फूल, हल्दी, चावल, रोली, कुमकुम और मौली भी रखें। और आती है व्रत कथा की किताब। करवा चौथ की पूजा के दौरान करवा चौथ की कहानी का विशेष महत्व होता है। इसे थाली में पूजन सामग्री के रूप में जरूर रखें। इसकी पूजा करने के बाद इसे करवा चौथ की कहानी पढ़ें। इसके साथ ही आप मार्केट से मिलने वाला करवा चौथ का पोस्टर भी इसमें रखें, जिसमें माँ गौरी के साथ ही अन्य चीज़ें भी बनाई जाती हैं। और इस पोस्टर का इस्तेमाल पूजा के दौरान करें। और करवा चौथ की विशेष सामग्री है, करवा चौथ की थाली में विशेष सामग्री के रूप में छलनी, दीपक, करवे के ऊपर रखने के लिए घर में बनाई गई आठ पूड़ियाँ, हलवा आदि जरूर रखी जाती हैं। तो ये थी दोस्तों करवा चौथ की थाली की जरूरी सामग्री। अब इस पोस्ट से हमें आज्ञा दें, स्वीकार करें मेरा प्यार भरा सासनी नमस्कार। दोस्तों अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। मैं लीवर सिरोसिस सहित कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हूँ, जिसकी वजह से बोलने के दौरान सांस फूलती है, बहुत दिक्कत होती है। ये दूर नहीं हो सकती है क्योंकि ये बहुत गंभीर बीमारी है। इसके लिए आप हमें क्षमा करें और अपना साथ और सहयोग हमें जरूर दें। उम्मीद है आप हमें साथ और अपना सहयोग जरूर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।